हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। फ्रेंड्स, सभी ने ज्वाइन कर लो एंड सब कुछ ठीक है कि नहीं एक बार कमेंट। हम क्लास को स्टार्ट सब कुछ ठीक है ना, साउंड वगैरह सब कुछ अगर ठीक है तो हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लगभग सभी ने आ चुका है, चलो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, राउरकेला स्टील प्लांट का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया है, ठीक है, वो दोनों 3 पार्ट्स में है। तो मेरा जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल में, राउरकेला स्टील प्लांट RSCEL RSP 2024 ऐसे नाम करके एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, पहला वाला जो क्वेश्चन है जो 3 सेगमेंट में हमने प्रिपेयर किया था, उसको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, उसका जो लिंक है तो उधर में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो क्लास है वो कर लो। एंड अटेंडेंट कम ट्रेनी टीटर का एक प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, इधर में आप देख सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, RSP राउरकेला स्टील प्लांट का एक अटेंडेंट काम टेक्नीशियन ट्रेनी फिटर ट्रेड के लिए एक प्रीवियस ईयर ट्रेड प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जिसमें टेक्निकल डोमेन में 80 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, टेक्निकल डोमेन में 80 क्वेश्चन इधर में पूछा था, एंड 80 के अंदर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 हम पार्ट वन में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको बताना जरूरी है, तो इसलिए मैं रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड इसके लिए जो 40 क्वेश्चन पहला सेगमेंट में रहेगा, एंड जो रेस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको। पहला वाला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ ए लेथ व्हिच हाउस द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल द लीवर फॉर द स्पीड सिलेक्शन। तो इसको करने से पहले एक मैं आपको लेथ का एक हेडस्टॉक का एक पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये है लेथ का हेडस्टॉक, ठीक है, ये जो लेथ का हेडस्टॉक है, ये ऑपरेटर जो है ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं। लेथ हेडस्टॉक ऑपरेटर है जो उसका लेफ्ट हैंड साइड में सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये जो लेथ हेडस्टॉक है इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, लेथ स्पिंडल आपको देखने को मिलेगा, इधर में देख सकते हैं फीड कंट्रोल लीवर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, फीड सिलेक्टर है वो भी आपको दिखने को मिलेगा इधर में, एंड कवर फॉर फीड ड्राइवर मैकेनिज्म ये भी आपको दिखने को मिलेगा। तो इधर में ये जो स्पिंडल है ना, लेथ स्पिंडल है, स्पिंडल में क्या माउंटिंग रहते हैं, स्पिंडल में माउंटिंग रहते हैं लेथ चाक, ठीक है, लेथ में जो चाक रहते हैं, लेथ को जो सेंटर है ये जो स्पिंडल में माउंटिंग रहते हैं जिसमें मोर स्टेबल प्रोवाइड होता है। तो लेथ का जो ये जो डिफरेंट स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म स्पिंडल ए जिधर में माउंटिंग रहते हैं उसको हम बोलते हैं हेडस्टॉक। तो अभी क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ द लेथ व्हिच हाउस द लेथ स्पिंडल, जिधर में स्पिंडल प्रेजेंट रहते हैं, जिधर में स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हेडस्टॉक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेडस्टॉक। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्चू ऑफ व्हिच द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। तो लोड रिमूव करने के बाद बॉडी को जो पहले वाला कंडीशन उसमें वापस आने का जो क्षमता होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी किसको हम बोलते हैं, अगर लोड रिमूव करने के बाद मेटल का जो डिफॉर्मेशन होता है वो अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, मेटल प्रीवियस कंडीशन में अगर वापस नहीं आ सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अगर वापस आ सकते हैं तो इसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, अगर वापस नहीं आ सकते तो प्लास्टिसिटी बोलते हैं। एंड इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी के बीच में जो प्रॉपर्टी रहते हैं मटेरियल का उसको हम बोलते हैं क्या, इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल हम बोलते हैं।
उसको हम इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। एंड डक्टिलिटी है क्या? डक्टिलिटी है मटेरियल का जिस प्रॉपर्टी के लिए मटेरियल को हमको खींच के हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। उसके बाद क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो देखिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो दोनों मशीन में इस्तेमाल होते हैं, एक तो है स्लॉटिंग मशीन एंड दूसरा है शेपिंग मशीन। तो स्लॉटिंग मशीन है क्या एंड शेपिंग मशीन है क्या, ये पहले आप देख लीजिए क्योंकि आपको क्वेश्चन याद रखने में आपको इजी होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको इधर में ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं शेपिंग मशीन, एंड ये जो दूसरा पिक्चर है इसको हम बोलते हैं स्लॉटिंग मशीन। तो ये जो शेपिंग मशीन है स्लॉटिंग मशीन है दोनों में ही हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं। क्विक रिटर्न मोशन रेशियो क्या रहते हैं शेपिंग के लिए? क्विक रिटर्न रेशियो रहते हैं 3:2। इसका मतलब क्या है? ये जो रैम है ये रैम को आगे जाने के टाइम, क्योंकि शेपर जो है ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, शेपर फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल को जो है रिमूव कर रहे हैं, मेटल को काटते हैं। तो ये जो शेपर का जो रैम है ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक लेते हैं तो उसमें 3 यूनिट टाइम लेते हैं एंड वापस आने के लिए 2 यूनिट टाइम लेते हैं। इसको ही हम बोलते हैं क्विक रिटर्न रेशियो। एंड ये जो क्विक रिटर्न रेशियो है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, एक क्रैंक एंड स्लॉट एंड मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म होता है शेपर के अंदर में जो इधर में ये जो इधर में फिटिंग रहते हैं, क्रैंक एंड स्लॉट एंड मैकेनिज्म। तो ये जो क्रैक या स्लॉटेड मैकेनिज्म है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? शेपर में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो क्विक रिटर्न रेशियो क्या है इसका? 3:2। तो क्वेश्चन में आपको ये भी आपको आएगा, क्वेश्चन में आ सकते हैं कि क्या शेपिंग मशीन आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन जो है उसमें भी आपको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म जो है वो आपको दिखाई देगा। तो देखिए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इधर में क्या पूछा है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन सा मशीन जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं? इधर में शिपिंग ऑप्शन है, शिपिंग मशीन ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो जाएगा शिपिंग। अगर इधर में स्लॉटिंग मशीन ऑप्शन रहता, शिपिंग मशीन ऑप्शन नहीं रहता, तो तब आपका क्या आंसर होता? स्लॉटिंग मशीन। क्योंकि जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया हूं हाँ स्लॉटिंग मशीन, ठीक है, उसमें शिपिंग मशीन ऑप्शन नहीं था। एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो राउरकेला स्टील प्लांट का जो क्वेश्चन में प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ एंड ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये दोनों क्वेश्चन में भी आपको दिखाई देगा मशीन टूल्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो मशीन टूल्स का मतलब क्या है? आपका मशीन टूल्स के अंदर आप फिटर में पढ़ते हैं लेथ, ग्राइंडर, उसके बाद ड्रिल, रिमार, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आप शेपिंग नहीं पढ़ते हैं, मिलिंग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन राउरकेला स्टील प्लांट में शेपिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एंड मिलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप हो सके तो इसी चैप्टर को आप देख लीजिए, ठीक है। यदि अगर आपको अगर कंटेंट नहीं मिलेगा तो मेरे चैनल से भी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वीडियो में प्रिपेयर करके डाल दूंगा। उसके बाद चॉइस द रॉन्ग स्टेटमेंट। इधर में जो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दिया है इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है आपको दिखाया आपको बोलना पड़ेगा। Choose the wrong statement. तो पहले वाला ऑप्शन जो क्या है, डिफरेंस स्पिंडल स्पीड ऑन लेथ फॉर्म द जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो लेथ में जो डिफरेंस स्पिंडल स्पीड हमको मिलते हैं वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से ही मिलते हैं। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन करके एक प्रोग्रेशन होता है, लेकिन लेथ में हमको स्पीड जो मिलते हैं वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी के ऊपर ही हमको मिलते हैं। ऑप्शन बी में पूछा है द लीड स्क्रू ऑफ द लेथ हैज द सिंगल स्टार्ट। तो ए भी सही है, पहला वाला ऑप्शन ए भी सही था, ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि लेथ में सिंगल स्टार्ट थ्रेड आपको देखने को मिलेगा एंड लेथ जो लीड स्क्रू है उसमें आपको एक्मी थ्रेड देखने को मिलेगा। कौन सा थ्रेड आपको देखने को मिलेगा? लेथ में आपको एक्मी थ्रेड देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा क्या, द लेथ सेंटर आर प्रोवाइडेड विद स्टैंडर्ड टेपर इज नोन एज। तो पहले में आपको पहले वाला क्वेश्चन में ही आपको जो पिक्चर दिखाया था उसमें बोला था लेथ स्पिंडल में जो टेपर प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट टेपर बोलते हैं। एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या बोला है, टामलर गियर लेथ आर यूज्ड टू रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। तो देखिए स्पिंडल स्पीड रिड्यूस अगर करना है तो तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बैक गियर को, तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बैक गियर को। अगर स्पिंडल आपको रिड्यूस करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा बैक गियर को, लेकिन आपका
इधर में बोला है तो टाम्बलर गियर का मतलब क्या है, टाम्बलर गियर हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाम्बलर गियर इस्तेमाल करते हैं हम लेथ में जब कटिंग करते हैं, जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं तो लीड स्क्रू के माध्यम से हम कैरेज को जुड़ते हैं, ठीक है। उसी टाइम ऑटोमेटिक फीड देने के लिए जो कैरेज है उसका रोटेशनल डिरेक्शन चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाम्बलर गियर, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है टर्निंग टूल विद नोज रेडियस, कोई भी टर्निंग टूल नोज रेडियस प्रेजेंट रहते हैं उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर रहते हैं, उसको हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे है इट इज रिक्वायर्ड टू काट ए स्क्रू थ्रेड ऑफ 2 mm पिच, जिसमें पिच का है, क्या है 2 mm है एंड लीस्ट स्क्रूज का जो पिच है वो है 6 mm, स्पिंडल स्पीड है 60 rpm, तो स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू का स्पीड क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही इजी वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सब पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला पहले आप लिख दीजिए, उसका फॉर्मूला है पिच ऑफ लीड स्क्रू, पिच ऑफ लीड स्क्रू इंटू स्पीड ऑफ लीड स्क्रू, इज इक्वल टू पिच टू बी काट इंटू स्पीड ऑफ द स्पिंडल। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से आपको निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ द स्पिंडल, आपको निकालना पड़ेगा स्पिंडल स्पीड इधर में दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू आपको निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू आपको निकालना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ द लीड स्क्रू को अगर आपको निकालना पड़ेगा तो स्पीड ऑफ का लीड स्क्रू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा एंड इधर में पिच ऑफ पिच टू बी कार्ड एंड स्पीड ऑफ द स्पिंडल के नीचे क्या आ जाएगा, पिच ऑफ द लीड स्क्रू आ जाएगा। तो आपको इधर में वैल्यू पुट करने के बाद आपको ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा 2 × 60/6, इधर में 2 क्या है, 2 है पिच ऑफ द लीड स्क्रू थ्रेड टू बी कार्ड, जिस जो जो पिच का थ्रेड काटना पड़ेगा उसका वैल्यू है 2, इधर में 6 जो है 6 है लीड स्क्रू का पिच एंड 60 जो है 60 है स्पिंडल का स्पीड। तो इधर में आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6 से आपको 60 को काटना है तो इधर में आ जाएगा 20, 2 से 20 को मल्टी 2 से 10 को मल्टीप्लाई करने से आपको आ जाएगा 20, तो 6 से आपको 10 को काटने के बाद इधर में आ जाएगा 10 एंड 10 से 2 को मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 20 rpm। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 rpm, ठीक है कि नहीं एक बार कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद देखिए शेपिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है, शेपिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है एक शेपर है जिसका शेपिंग मशीन है जिसमें 25 मिलीमीटर जो है वो स्ट्रोक है, स्ट्रोक लेंथ क्या है 25 मिलीमीटर है, 250 मिलीमीटर है एंड नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक जो है वो 30 डबल स्ट्रोक आपको मिनट में मिलेगा। तो एवरेज कटिंग स्पीड जो है उसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए स्पिंडल जो इधर में जो शेपर है, शेपर का आपको काटिंग स्पीड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी ने पकड़ लिया है ना, तो चलो
क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है, सेवन में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है एक शेपर है, शेपर का जो स्ट्रोक लेंथ है 250 मिलीमीटर है एवं नंबर एंड नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक जो लेते हैं वो 30 डबल स्ट्रोक लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ओवर एवरेज जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन, जो कटिंग स्पीड है इस ऑपरेशन करने के लिए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा 7.5। इसका डिटेल डेमोस्ट्रेशन में इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि शेपिंग मशीन कैसे काम करते हैं, शेपिंग मशीन का कटिंग स्पीड ये, इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं इसका पार्ट नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें। लेथ आपका सिलेबस का अंदर है, इसीलिए लेथ का ऊपर जो मैंने ये जो मैथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था मैं डिटेल में आपको समझा दिया हूँ, लेकिन शेपिंग का इसका आपको फॉर्मूला पहले मैं समझाऊंगा वीडियो में एंड उसके बाद एक क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अभी नोट करके रखिए, इसका आंसर जो होगा 7.5 मीटर पर मिनट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या पूछा है, फॉर मशीनिंग ऑफ कास्ट आयरन ऑन लेथ इट शुड बी हेल्ड इन। तो लेथ में अगर आपको कास्ट आयरन को मशीनिंग करना पड़ेगा तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसको आपको नोट डाउन कीजिए। लेथ में जब आप राफ जॉब को, जैसे कि मान लीजिए कोई कास्टिंग जॉब हो, तो उसको माउंटिंग करने के, उसको होल्ड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फुट जॉब। थ्री जॉब के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, थ्री जॉब कौन सा जॉब के लिए, जो जो सर्कुलर जॉब है उसी टाइप का जॉब को होल्ड करने के लिए आपको थ्री जॉब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फेस प्रेस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, मान लीजिए कोई जॉब है जिसमें जो परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप नहीं है, ऑड शेप है, तो उसको आपको होल्ड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फेस प्लेट को, ठीक है। तो कास्टिंग जॉब को होल्ड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फोर जॉ चाक को, एंड ये जो फोर जॉ चाक है, फोर जॉ चाक का दूसरा नेम भी है, वो फोर जॉ चाक को हम क्या बोलते हैं, फोर जॉ चाक का जो दूसरा नेम है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट चाक। फोरजा चाक का जो दूसरा नेम है उसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट चाक। एंड थ्री जो चाक जो है उसका जो दूसरा नेम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल चाक, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल चाक। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल चाक, तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, स्क्वायर थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन, स्क्वायर थ्रेड कहां पर आपको दिखने को मिलेगा, स्क्वायर थ्रेड आपको कहां पर दिखने को मिलेगा। तो देखिए पहले वाला जो ऑप्शन है स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज, तो स्पिंडल ऑफ बेंच, इधर में स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज, बेंच के बाद वाइज नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बेंच वाइज का स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इधर में लिखा हुआ है स्पिंडल ऑफ बेंच, तो बेंच में कोई थ्रेड थोड़ी ना रहते हैं, बेंच वाइज में थ्रेड रहते हैं, तो बेंच वाइज में जो थ्रेड रहते हैं वो स्क्वायर थ्रेड, तो इधर में ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। रेलवे कैरेज एंड कपलिंग, रेलवे कैरेज एंड कपलिंग में जो थ्रेड रहते हैं उसका नाम है नाकेल थ्रेड, रेलवे कैरेज एंड कपलिंग में जो थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं उसका नाम है नाकेल थ्रेड। स्क्रू कटिंग लेथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रू कटिंग लेथ, जिस लेथ में स्क्रू कटिंग करते हैं, तो स्क्रू कटिंग करने के लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्क्रू कटिंग करने के लिए हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा लीड स्क्रू को, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा लीड स्क्रू को इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड ये जो लीड स्क्रू है लीड स्क्रू में प्रेजेंट रहते हैं एक्नी थ्रेड, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में जो है फीड मैकेनिज्म ऑफ द मशीन टूल्स, मशीन टूल्स का जो फीड मैकेनिज्म है उसमें आपको दिखने को मिलेगा स्क्वायर थ्रेड है, ये सही आंसर। एंड इसके साथ जो नोट डाउन में करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए बेंच वाइज का जो स्पिंडल है उसमें स्क्वायर थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं, जो फीड मैकेनिज्म है उसमें स्क्वायर थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं, रेलवे कैरेज एंड कपलिंग में नाकेल थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं, जो है स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म, नाकेल थ्रेड कौन सा थ्रेड से मैन्युफैक्चर होता है, नाकेल थ्रेड जो है वो स्क्वायर थ्रेड से बनता है। स्क्रू कटिंग लेथ में आप जब लेथ में स्क्रू कटिंग करते हैं तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा कौन सा थ्रेड, लीड स्क्रू को, एंड लीड स्क्रू में जो थ्रेड प्रेजेंट रहते हैं उसका नाम क्या है, एक्मी थ्रेड। एंड ये जो एक्मी थ्रेड है इसका एंगल वैल्यू क्या है, आप तो सभी जानते हैं एक्मी थ्रेड का एंगल वैल्यू है 29 डिग्री, एंड ये जो एक्मी थ्रेड है ये भी स्क्वायर थ्रेड जो है उससे मैन्युफैक्चर होता है। तो एक्मी थ्रेड एंड नाकेल थ्रेड दोनों थ्रेड ही स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन वर्शन है, ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है सरफेस रफनेस ऑन ए ड्रॉ इन ए ड्रॉइंग ऑन ए ड्रॉइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई भी सरफेस रफनेस जो है वो इनवर्टेड एरो से आपको इधर में दिखाई देगा, इनवर्टेड एरो से आपको सरफेस रफनेस जो है वो आपको दिखाई देगा। तो इधर में सरफेस रफनेस जो है ड्रॉइंग में दिखाई देगा कौन सा साइन से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइंगल। तो इसका आप आंसर कर लीजिए, जो रफनेस है सरफेस रफनेस है उसको रिप्रेजेंट करने का जो सही तरह के तरीका है वो है ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल है वो इनवर्टेड ट्राइंगल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है भी थ्रेड मैट्रिक भी थ्रेड है उसका जो एंगल है वो क्या है 60 डिग्री, एंड इसके साथ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा जो 45 डिग्री है कौन सा थ्रेड का एंगल है, बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड जो है उसका एंगल वैल्यू है 45 डिग्री। 55 डिग्री कौन सा थ्रेड का एंगल है, बीएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू जो थ्रेड है उसका एंगल वैल्यू है 55 डिग्री। एंड 47.5 डिग्री कौन सा थ्रेड का एंगल है, 47.5 डिग्री जो है वो है बीए थ्रेड का एंगल, जो प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको देखने को मिलेगा, जो प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपको बीए थ्रेड देखने को मिलेगा, इसका एंगल वैल्यू है 47.5 डिग्री। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। क्या मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री है भी थ्रेड का एंगल, मैट्रिक थ्रेड का एंगल, उसके बाद 45 डिग्री जो है वाटर थ्रेड का एंगल, बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल क्या है 55 डिग्री, बीएसडब्ल्यू बीएसपी, बीएसपी थ्रेड का भी एंगल है 55 डिग्री, उसके बाद 47.5 डिग्री कौन सा थ्रेड का एंगल है बीए थ्रेड का, बीए थ्रेड जो है वो प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है विथ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड ऑफ पिच पी, जो स्क्वायर थ्रेड का पिच पी है उसका विथ क्या होगा। तो पहले स्क्वायर थ्रेड क्या है एक बार देख लीजिए, ये जो एक स्क्वायर थ्रेड है, एक स्क्वायर थ्रेड है, यानी स्क्वायर थ्रेड का पिच, पिच का मतलब होता क्या है, पिच का मतलब है दोनों सिमिलर पॉइंट का डिस्टेंस, एक थ्रेड का दोनों सिमिलर पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। जैसे कि इधर में ए आपको पिच दिखने को मिलेगा, ए सिमिलर पॉइंट है, ए सिमिलर पॉइंट है, एन ए दो जो सिमिलर पॉइंट है नियरेस्ट, इसका जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पिच बोलते हैं, तो इसका पिच हो जाए हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी स्क्वायर थ्रेड है जिसका पिच पी है, तो उसमें आपको ये जो ग्रूव है, ये ग्रूव बनाने के लिए जो टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये पिच का क्या होगा, पिच का हाफ होगा। तो इधर में बोला है उधर विथ ऑफ द स्क्वायर थ्रेड, विथ ऑफ स्क्वायर थ्रेड ऑफ पिच पी, स्क्वायर थ्रेड का जो विथ, इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर थ्रेड का जो टीथ है, टीथ का विथ, टीथ का विथ क्या होगा, टूथ का विथ होगा जो पिच है, पिच का हाफ। एंड जो स्क्वायर थ्रेड बनाने के लिए जो टूल इस्तेमाल हम करते हैं उसका भी विथ क्या होगा, उसका भी विथ होगा पिच का हाफ। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, द पिच ऑफ द थ्रेड ऑफ ए स्क्रू गेज इज 0.5 mm, द नंबर ऑफ डिविजन ऑन द थिंबिल इज 25, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी वाला एक क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड जो है, जो स्क्रू गेज जो है, जिसका दूसरा नाम क्या है स्क्रू गेज को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू गेज को हम बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट है उसको लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पिच बटे सर्कुलर स्केल डिवीजन, पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच का वैल्यू इधर में क्या बोला है आपको, इधर में बोला है इसका पिच है, जो पिच जो है वो है 0.5, पिच जो है वो है 0.5, एंड इसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है 25, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 25 करने से आपको आंसर हो जाएगा 0.02। तो इसी माइक्रोमीटर और स्क्रू जो है उसका आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.02। हम जो माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन रहते हैं, उसका पिच वैल्यू रहते हैं क्या 0.5,
0.5, तो तब उसका लिस्ट काउंट आता है क्या 0.01 mm। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी को क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 13 तक सभी को क्लियर है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम। इन ए बायलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड इन, तो बायलैटरल का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ए बेसिक साइड, बेसिक लाइन और जीरो लाइन है, तो जीरो लाइन का ऊपर वाला है पॉजिटिव, नीचे वाला मान लीजिए नेगेटिव। तो जीरो लाइन का दोनों ही दिशा में अगर टॉलरेंस प्रोवाइड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिस्टम। तो बायलैटरल सिस्टम टॉलरेंस जो है उसमें टॉलरेंस अलाउड होता है बोथ साइड ऑफ द नॉमिनल साइज और बेसिक साइज, आप बोल सकते हैं। एंड बायलैटरल सिस्टम में जो टॉलरेंस है उसको काउंट करने का जो नियम है, ठीक है, वो क्या है? वो है आपको जो दोनों वैल्यू आपको मिलेगा उसको आपको प्लस करना पड़ेगा। बायलैटरल सिस्टम में आपको मान लीजिए ऐसा आपको कोई डायमेंशन दिखने को मिलेगा 0.02, तो इसका टॉलरेंस क्या होगा? इसमें प्लस अगर दिखाई दिया है तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 0.02 प्लस 0.02 करने से आपको 0.04 आंसर हो जाएगा। तो बायलैटरल सिस्टम जो है वो कैसे आपको पता चलेगा? अगर मान लीजिए प्लस माइनस करके आपको कोई डायमेंशन दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा इधर में बायलैटरल टॉलरेंस प्रोवाइडेड है। नहीं तो अगर आपको एक ही साइन अगर आपको दिखने को मिलेगा प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो तब आपको पता चल जाएगा ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है। एंड बायलैटरल सिस्टम टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस आपको निकालने का जो सही तरीका है वो क्या है? आपको टॉलरेंस को जो है आपको प्लस करना पड़ेगा। एंड यूनिलैटरल में आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए ए अगर यूनिलैटरल टॉलरेंस है 0.02 माइनस 0.04, तो इधर में आपको दोनों साइन है कि एक दोनों ही माइनस साइन में आपको दिखाई देगा, तो इसका टॉलरेंस जो वैल्यू हो जाएगा 0.04 से 0.02 को माइनस करने के बाद 0.02 जो है इसका टॉलरेंस वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इधर में अगर एक प्लस होता तो आपको उसका टॉलरेंस हो जाएगा 0.06, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है द हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज स्पेसिफाइड बाय, तो ग्राइंडिंग व्हील का जो हार्डनेस है वो लेटर से स्पेसिफाई होता है। ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस होता है, एक होता है सॉफ्ट, उसके बाद एक होता है मीडियम, एंड उसके बाद तीसरा होता है हार्ड। तो सॉफ्ट ग्रेड जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको जो रेंज है ए से लेके एच तक, मीडियम जो है उसका जो रेंज रहते हैं वो आई से लेके पी तक, एंड हार्ड ग्रेड जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको क्यू से लेके जेड तक। तो ए से एच तक अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आपको पता चल जाएगा ये सॉफ्ट ग्रेड वाला ग्राइंडिंग व्हील है। आई से लेके पी अगर आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा ये मीडियम ग्रेड है, एंड क्यू से लेके जेड आपको होगा तो आपको पता चल जाएगा ये हार्ड ग्रेड वाला ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का जो हार्डनेस वैल्यू है उसको कैसे पता चल जाएगा? उसका पता चल जाएगा लेटर और अल्फाबेट से। एंड इसके साथ BHM, ये जो BHM जो है इसका एक एब्रिविएटिव नेम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। अगर ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में हम कोई जॉब का हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उसको BHM करके हम स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद ये जो स्क्रैच टेस्ट, इधर में आपको दिखाई देगा स्क्रैच टेस्ट। राउरकेला स्टीलमेट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था स्क्रैचिंग टेस्ट के माध्यम से कौन सा हार्डनेस टेस्टिंग होता है, जैसे लेथ मशीन में कौन सा प्रोसेस से हार्डनेस टेस्टिंग होता है। तो लेथ मशीन में जो हार्डनेस टेस्टिंग होता है उसमें शोर स्केलरोस्कोप करके एक टेस्टिंग होता है, शोर स्केलरोस्कोप। ये पहले आपको नोट डाउन कर लीजिए। शोर स्केलरोस्कोप, ये शोर स्केलरोस्कोप जो है वो स्क्रैचिंग टेस्ट के माध्यम से लेथ वेट का जो है हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। इसका जो हार्डनेस टेस्टिंग करने का जो प्रोसेस है उसमें स्क्रैचिंग टेस्ट होता है।
तो शोर स्केलेरोस्कोप जो है वो स्क्रैचिंग टेस्ट के माध्यम से हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। रेत-वेत का हार्डनेस जो हम हाँ मापते हैं वो शोर स्केलेरोस्कोप से मापते हैं। ये राउरकेला स्टील प्लांट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। एंड देखिए बिनेल हार्डनेस टेस्टिंग जो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग जो मशीन है, विकर हार्डनेस टेस्टिंग जो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, उसमें हार्डनेस टेस्टिंग होता है पेनिट्रेशन टेस्ट के माध्यम से। अगर आपको पूछेगा जो बिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन जो है उसमें कौन सा प्रोसेस से हार्डनेस टेस्टिंग होता है, तो उनमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग के माध्यम से हार्डनेस टेस्टिंग होता है। रंजीत देवनाथ सीआईआर क्या बोला है आप शेयर करके बताइए। सीआईआर दादा इसका मतलब क्या है हमको पता नहीं। तो चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, देखिए एक बात हमको आपको हम बोल देते हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट को क्रैक करने के लिए आपको डिफरेंट जो मशीन टूल्स थे जैसे कि लेथ, शेपर, प्लानर, ग्राइंडर, मिलिंग, उसके साथ फोर्जिंग, उसके साथ कास्टिंग, इसके ऊपर आपको नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। एंड वो भी मैं कराऊंगा आपको, आपको सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। व्हिच ऑफ दिस मटेरियल कैन बी काट विद द हेल्प ऑफ रास्टकार्ट फाइल। तो रास्टकार्ट फाइल जो है वो काट के हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन है। वुड और लेदर, वुड एंड लेदर जो है उसको काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रास्टकार्ट फाइल। एंड काट के हिसाब से रास्टकार्ट फाइल एक क्लासिफिकेशन है। फाइल जो है उसका काट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आते हैं सिंगल काट, डबल काट, रास्प काट एंड कार्व काट। तो ये जो रास्प काट है जो वुड एंड लेदर को काटने के लिए फाइलिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये काट के हिसाब से फाइल का क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, कास्ट आयरन स्टील पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो मान लीजिए कोई भी स्टील पाइप है जो सीमलेस, इधर में सीमलेस मेंशन नहीं है, तो सीमलेस कोई भी सीमलेस पाइप जो है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो है हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो है इसमें नो कोर, कोई भी कोर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पाइप है, तो पाइप का क्या है, वॉल में मटेरियल रहते हैं, लेकिन ये जो बीच सेक्शन ये क्या रहते, ये हॉलो रहते, में हम पार्किंग कर रहे हैं वो हॉलो है। तो पाइप जो है जिसका वॉल में मटेरियल रहते हैं एंड बीच में जो क्या रहते हैं, बीच में कुछ भी नहीं रहते, बीच में ब्लैंक रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको सेक्शनल व्यू कर देता हूं, ये पाइप जो है इधर में क्या है, इधर में आपको बाहर में आपको मटेरियल दिखने को मिलेगा लेकिन इसका अंदर जो है इसमें हॉलो रह जाएगा। तो इसको हॉलो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोर यूज करना पड़ेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो है उसमें कोर के नो कोर आपको ऑप्शन में दिखने को मिलेगा, और आपको ए भी ऑप्शन में दिखने को मिलेगा। ए आर को इस्तेमाल करते हैं हम कोर के माध्यम से। तो ए आर का मतलब क्या है, ए आर का मतलब है कुछ कोई कोर भी नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है उसमें क्या कोर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ए आर भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा ऑप्शन है ए आर, तो आप ए आर भी कर सकते हैं। एंड कभी कभी आप जैसे किधर में आया है नो कोर इज यूज, तो नो कोर भी आप बोल सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन पूछा है कास्ट आयरन एंड स्टील पाइप जो सीमलेस पाइप है उसको तो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन पे पूछा है ए व्हील जिसका रेडियस आर है एक्सेल, जहां जिसका रेडियस आर है वे डब्ल्यू है, कैन बी लिफ्टेड बाय ए एक्सेल रोप व्हेन द पावर पी अप्लाइड ऑन द व्हील रोप, देन द मैकेनिकल एफिशिएंसी व्हील एंड एक्सेल इसका डिनोटेड बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू आर बाय पी आर, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है वो लोड लिफ्टेड बाय एफोर्ड अप्लाइड। तो उसको आप सिंपलीफाई कीजिए, आपको ऐसे ही आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, फॉर होल्डिंग द इरेगुलर शेप जॉब इन ए लेथ मशीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चाक इज यूज्ड। तो इरेगुलर शेप जो है
उसको होल्ड करने के लिए आपको इंडिपेंडेंट चाहिए, नॉट ओनली डुगलास चाहिए, आपको अगर आ जाएगा कोई भी राफ कास्टिंग जो है, राफ कास्टिंग जो है उसको आपको होल्ड करना है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फोर्जो चाक। एंड ये जो फोर्जो चाक है इसका दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट चाक, जो इधर में आपको शो हो रहा है। थ्री जो चाक जो है जिसका दूसरा नाम क्या है, यूनिवर्सल चाक, ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड, तो देखिए ड्राइंग के ऊपर इधर में बहुत क्वेश्चन है, आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन एंड बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसको वो कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, तो क्वाड्रेंट का क्या है आप देख लीजिए पहले। तो ये देख लीजिए पहले आप, ये है चारों क्वाड्रेंट, इसमें ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड एंड इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट आपको पता चल गया है। आप आते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कैसे रखते, तो इधर में वर्टिकल का मतलब इसको हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, जो वाई एक्सिस के हिसाब में रहते हैं उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, एंड ए है हॉरिजॉन्टल। तो देखिए इस क्वाड्रेंट, मान लीजिए जो वाट क्वाड्रेंट है इसका ए है वर्टिकल, ए है हॉरिजॉन्टल। अगर क्वाड्रेंट टू में दिखेगा तो ए है उसका हॉरिजॉन्टल, ए है वर्टिकल। क्वाड्रेंट थ्री में दिखेगा तो ए है आपका वर्टिकल, ए है आपका हॉरिजॉन्टल। एंड क्वाड्रेंट फोर में अगर दिखेगा तो ए है हॉरिजॉन्टल, ए है आपका वर्टिकल। तो ये तो पहले क्लियर है कि नहीं बताइए। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को आप कैसे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे करके रखिए क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है बिहाइंड रहेगा वर्टिकल प्लेन का बिहाइंड रहेगा, तो वर्टिकल प्लेन का बिहाइंड इधर में भी रख सकते हैं, इधर में भी रख सकते हैं, लेकिन इधर में मेंशन जो है हॉरिजॉन्टल प्लान जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे में रहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे जैसे कि इधर में आपको दिखने को मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का बिलो है एंड वर्टिकल प्लेन का पीछे है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे एंड वर्टिकल प्लेन का पीछे, हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे एंड वर्टिकल प्लेन का पीछे अगर जॉब रहते हैं तो वो आ जाता है कौन सा क्वाड्रेंट में, वो आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। आपको समझ आया कि नहीं एक बार बताओ, नहीं आया तो मैं आपको समझा दूंगा। एंड देखिए मिलिंग मशीन के ऊपर, मिलिंग मशीन नहीं शेपिंग मशीन के ऊपर जो मैं प्रॉब्लम मैथमेटिकल प्रॉब्लम मैंने स्किप किया हो, मैं बाद में आपको समझाऊंगा, क्योंकि इधर में अगर मैं समझाऊंगा कैसे करके जो कटिंग स्पीड जो मशीनिंग टाइम जो निकलते हैं आपको वीडियो लेंथ ही हो जाएगा। मिलिंग जो शेपिंग मशीन है वो आपका सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, तो इसको आपको बाद में एक शेपिंग मशीन का वीडियो बना के मैं आपको दे दूंगा। तो चलो सभी ने पकड़ लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, स्क्रू क्यू सरफेस इज ए सरफेस व्हिच, क्यू सरफेस क्या है, क्यू सरफेस है क्या। तो क्यू सरफेस रिफर्स टू ए लाइन दैट आर नॉट पैरेलल एंड डज नॉट इंटरसेक्ट। क्यू सरफेस क्या है, क्यू सरफेस ऐसा कुछ सरफेस है
जिसका लाइन ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इंक्लाइन टू एचपी बीपी एंड पीपी। पीपी का मतलब क्या है, प्रोफाइल। तो मैं आपको कुछ एब्रेविएटिव दिखा दूंगा ड्राइंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, कुछ एब्रेविएशन जिसका फुल फॉर्म आपको ड्राइंग में पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एजीपी, एजीपी का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन। एआईपी इसका मतलब क्या है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। एएफवी ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। उसके बाद एटीवी ऑक्सिलरी टॉप व्यू। उसके बाद एवी, एवी का मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ विजन। एयूएक्स का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी। बीआई सिस्टम का मतलब क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सीएडी जो हम बोलते हैं ऑटोकैड, ठीक है, उसका मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। उसके बाद सीपी, सीपी का मतलब क्या है, सेंट्रल प्लेन और कटिंग प्लेन। उसके बाद सीबी, सीबी का मतलब क्या है, कारिकुलम वीटा नहीं, इधर में सीबी का मतलब है सेंटर ऑफ विजन। उसके बाद डाया, जिसको हम शॉर्ट में डाया बोलते हैं, डायमीटर का, उसका डायमीटर का हम शॉर्ट में डाया बोलता है। उसके बाद डी डबल ओ डू, उसका एब्रीविएशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एफबी, एफबी का मतलब है फ्रंट व्यू। सीएल का मतलब है ग्राउंड लाइन और ग्राउंड लेवल। उसके बाद जीपी, जीपी का मतलब क्या है, ग्राउंड प्लेन। टीआर का मतलब है ग्राउंड। एचएल का मतलब है होराइजन लाइन। एचपी का मतलब है होराइजेंटल प्लेन। इधर में वीपी मेंशन नहीं है, वीपी का मतलब है वर्टिकल प्लेन। वीपी नीचे में नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए, वीपी का मतलब है वर्टिकल प्लेन। एचआरपी का मतलब क्या है, होराइजेंटल रेफरेंस प्लेन। एचटी का मतलब है होराइजेंटल ट्रेस। उसके बाद आईएस, आईएस का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद आईएसओ, आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद एलएचएसबी, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओएसएनएपी, ऑब्जेक्ट स्नैप। उसके बाद पीपी, जो इधर में क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया है, प्रोफाइल प्लेन। उसके बाद पीपीपी, पिक्चर प्लेन फॉर प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। उसके बाद आरए, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इधर में फ्रैक्शन नहीं लिखा है, इस दर में आपका आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो ये आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, जो ड्राइंग से रिलेटेड कुछ एब्रिविएशन जो एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं। के बाद साउंड अभी ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर रंजित देवनाथ ने बोला है, क्वेश्चन नंबर 20 को बोलने के लिए एक बार रिपीट करने। तो ये देखो ड्राइंग का एक क्वेश्चन है, जिसमें ये पहले वाला जो है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आकार इधर में बोला क्या है, उधर में बोला है कोई जॉब है उसका वर्टिकल प्लेन से पीछे रखना है एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे रखना है, तो जो जॉब का पोजीशन क्या हो जाएगा। तो ए है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे का मतलब क्या है, इधर में आपको रहेगा एंड वर्टिकल प्लेन का पीछे। तो ए जो देखिए इधर में अगर आप जॉब रखिएगा तो ए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे भी आएगा एंड वर्टिकल प्लेन का पीछे भी आएगा। तो ए क्वाड्रेंट है क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। नंदिनी विश्वास, अभी साउंड का कोई इशू है। उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन के बारे में एक क्वेश्चन है, इधर में देखिए बोला है WA60MV22। तो इधर में एम का मतलब क्या है, तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या है, ग्राइंडिंग व्हील इधर में 6 डिजिट प्रेजेंट रहते हैं, कभी कभी 6 रहते हैं, कभी कभी 7 रहते हैं, कभी कभी 5 रहते हैं। तो 5 जो है वो यूनिक है। तो पहले वाला जो है वो मैन्युफैक्चरर प्रीफिक्स को इंडिकेट करते हैं एंड उसके बाद जो रहते हैं जो उसको हम बोलते हैं एब्रेसिव टाइप, एब्रेसिव टाइप के ग्रेन साइज के बाद रहते हैं ग्रेट, ग्रेट के बाद रहते हैं बॉट एंड अभी का ठीक है ओके। तो चलो चलो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो पहले आता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव।
टाइप ऑफ एब्रेसिव, टाइप ऑफ एब्रेसिव के बाद ग्रेन साइज, टाइप ऑफ एब्रेसिव के बाद ग्रेन साइज, उसके बाद ग्रेड, ग्रेड के बाद आता है स्ट्रक्चर, एंड फाइनल में तो टाइप ऑफ एब्रेसिव, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉन्ड। ये है ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन। तो इधर में एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेड को, एंड एम से पता चलता है आई से ए से लेके एच तक सॉफ्ट, आई से लेके पी तक मीडियम। तो आई से लेके पी के अंदर आते हैं एम, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट ग्रेड वाला ग्राइंडिंग। भूषण विश्वास, थैंक यू। विप्लव माझी, ड्राइंग का क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? मोनी कुमार पाली, ड्राइंग का क्वेश्चन क्या कैसा लग रहा है बताओ? विप्लव माझी, मोनी कुमार पालित, मोइनाक मजुमदार, ड्राइंग का क्वेश्चन कैसे लग रहा है? रंजित देवनाथ, अभी क्लियर है? अभी अभी समझ आया क्या, क्या आंसर कैसे थर्ड क्वाड्रेंट आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में एक मैचिंग है, ये तो मैचिंग करना पड़ेगा आपको, कौन किसके साथ किसका रिलेशन है इसको आपको मैचिंग करना पड़ेगा। तो इधर में देख लो, डक्टिलिटी के साथ आ जाएगा टेंशन टेस्ट, तो डक्टिलिटी को टेंशन टेस्ट से पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी इम्पैक्ट है, तो इम्पैक्ट इसके साथ जाएगा, टफनेस वाला जो वर्ड है वो जाएगा। इम्पैक्ट के अगर मान लीजिए कोई भी इम्पैक्ट टेस्ट होता है, तो इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए होता है? टफनेस वैल्यू मेजर करने के लिए, ठीक है? तो आपको इम्पैक्ट के साथ जाएगा टफनेस, एंड्यूरेंस लिमिट के साथ जाएगा फैटिक, एंड्यूरेंस लिमिट के साथ जाएगा फैटिक, एंड ये जो रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, तो पहले मैं आपको बोला था पेनिट्रेशन टेस्ट किसके काम के लिए करते हैं हम, हार्डनेस को मेजर करने के लिए, तो पेनिट्रेशन के साथ जाएगा हार्डनेस। तो इधर का आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 2, डी के साथ 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद एक लिमिट फिट टॉलरेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है, जिधर में बोला है एक तो एक जो है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है 1787G8, तो ए 70 जो है इसका बेसिक साइज और नॉमिनल साइज जो है वो 70 है, एक्चुअल साइज नहीं है, बेसिक और लुमिनल साइज जो है 70 है। एंड इसमें पहला एज जो है, एज के एज से हमको होल का जो टॉलरेंस जोन है वो स्पेसिफाई होता है, एंड जी से जो है वो कैप्ट का टॉलरेंस जोन जो है स्पेसिफाई होता है। तो इधर में ऑप्शन टू में क्या लिखा है? टॉलरेंस ग्रेड ऑफ द होल 7 एंड टॉलरेंस ग्रेड ऑफ शैप जो है वो 8, तो सही है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। उसके बाद नेगेटिव ब्रेक इज प्रोवाइडेड ऑन, तो नेगेटिव ब्रेक कैसे है आप पहले देख लीजिए, ए है नेगेटिव ब्रेक, ए है नेगेटिव ब्रेक, एंड नेगेटिव ब्रेक का जो स्लोप है, ये मान लीजिए स्लोप, ए ब्रेक का स्लोप, स्लोप क्या है? इनर से लेके आउटर, आउटर स्लोप कैसा है? इनर से लेके आउटर। अगर आपको पूछेगा नेगेटिव ब्रेक का स्लोप कहां से लेके कहां तक होता है, तो नेगेटिव ब्रेक का स्लोप जो होता है वो इनर से लेके आउटर तक। एंड अगर पूछा है ए है पॉजिटिव ब्रेक, ये मान लीजिए पॉजिटिव ब्रेक, तो पॉजिटिव ब्रेक का स्लोप कैसा होता है? आउटर से लेके इनर तक आपका स्लोप होता है। तो ये बात खत्म। तो इस नेगेटिव ब्रेक जो है, नेगेटिव ब्रेक के साथ आपको सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल जो है वो ऐसे करके फिटिंग होता है। कौन सा प्रोसेस से फिटिंग होता है? ब्रेजिंग करके फिटिंग होता है। सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल जो है वो नेगेटिव ब्रेक के साथ ब्रेजिंग करके हम अटैच करते हैं। तो नेगेटिव ब्रेक इज प्रोवाइडेड, नेगेटिव ब्रेक प्रोवाइड करते हैं किस टूल से? नेगेटिव ब्रेक के साथ कौन सा टूल तो प्रोवाइड होता है? कार्बाइड टिप प्रोवाइड होता है, एंड उसको हम ब्रेजिंग करके उसको अटैच करते हैं। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 तक बोला क्या है?
क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है इन ए ड्रॉप फोर्जिंग द फोर्जिंग इज डन बाय द ड्रॉपिंग। ड्रॉप फोर्जिंग में क्या करते हैं हम, डाई विथ हैमर को हाई वेलोसिटी के इस्तेमाल करके हम ड्रॉप फोर्जिंग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है, वी ब्लॉक के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो वी ब्लॉक क्या है एक बार आप ग्राफिकली देख लीजिए, यह है एक वी ब्लॉक, इसको हम इस्तेमाल करते हैं सिलिंड्रिकल कोई जॉब है उसको रेस्ट करने के लिए वी ब्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं। वी ब्लॉक किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिलिंड्रिकल कोई जॉब को रेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी ब्लॉक। तो वी ब्लॉक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं राउंड जॉब का, जो वी ब्लॉक इज यूज्ड फॉर पेस टू चेक द राउंडनेस ऑफ का राउंडनेस ऑफ द जॉब और होल्ड द राउंड शेप ऑफ द जॉब, रंजीत देवनाथ कोई दिक्कत नहीं भाई आपको समझ आया है, यही बड़ा बात है। क्वेश्चन विश्वास थैंक यू भाई आपके लिए सब कुछ है, अगर आपको अच्छा लगा है तो ये सब कुछ ठीक है, अगर आपका काम में आएगा तो मेरा डेडिकेशन ठीक। उसके बाद वी ब्लॉक इज यूज इन द वर्क पीस टू चेक, वी ब्लॉक किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जॉब का राउंडनेस और जॉब सिलिंड्रिकल जॉब जो है उसको रेस्ट कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी ब्लॉक। तो ये जो वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक दोनों टाइप का होता है, एक है ग्रेड ए और दूसरा जो है वो ग्रेड बी। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक जो है उसका वो मैन्युफैक्चर होता है हाई क्वालिटी स्टील से, ग्रेड ए जो वी ब्लॉक है वो हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चर होता है एंड उसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो क्या है 100 mm, उसका स्टैंडर्ड लेंथ जो है 100 mm। एंड ग्रेड बी वी ब्लॉक जो है वो कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है, किससे मैन्युफैक्चर होता है, कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है एंड इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 300 mm। तो ये भी आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा, ग्रेड ए वी ब्लॉक जो है वो हाई क्वालिटी स्टील से मैन्युफैक्चर होता है जिसका स्टैंडर्ड लेंथ है 100 mm एंड ग्रेड बी ब्लॉक जो है वो कास्ट आयरन से मैन्युफैक्चर होता है जिसका स्टैंडर्ड लेंथ है 300 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इन व्हिच फीट द शाफ्ट डायमीटर इज लार्जर देन द होल डायमीटर। तो मान लीजिए शाफ्ट अगर बड़ा है होल अगर छोटा है तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट, शाफ्ट अगर बड़ा है होल अगर छोटा है तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। अगर इसका रिवर्स केस हो जाएगा, मान लीजिए शाफ्ट छोटा है होल बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट, शाफ्ट छोटा होल बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट एंड शाफ्ट बड़ा होल छोटा उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट। एंड मान लीजिए ऐसा कोई फिट है जिसमें समटाइम्स होल जो है वो बड़ा रहते हैं एंड समटाइम्स शाफ्ट जो है वो बड़ा रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ट्रांजिशन फिट। तो ये जो तीनों क्वेश्चन में रिलेटेड आपको बताया इसको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा है, ट्विस्ट विल बीट एंगल ऑफ द ट्विस्ट इज। तो ट्विस्ट बीट इज हमको लग रहा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में पूछा कुछ और है, क्वेश्चन में आंसर किया कुछ और है। ये जो 59 डिग्री है ट्विस्ट ड्रिल को अगर हम जब ड्रिल को ग्राइंडिंग करते हैं तो अब हम 59 डिग्री में होल्ड करते हैं, इधर में कुछ ऐसे पूछा नहीं है, इधर में पूछा है ट्विस्ट ड्रिल द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब क्या है, ये ट्विस्ट ड्रिल जो है उसका हेलिक्स एंगल का वैल्यू क्या है। तो हेलिक्स एंगल का वैल्यू होता है 27.5 डिग्री, तो इधर में 27.5 डिग्री नहीं है तो आंसर क्या है 59 डिग्री। तो इसको आपको 59 डिग्री करना पड़ेगा, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट आंसर अगर इधर में 27.5 डिग्री प्रोड्यूस प्रोवाइड होता तो अच्छा होता। तो इधर में बोला है क्या, द ट्विस्ट ड्रिल बीट एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है 59 डिग्री। तो 59 डिग्री क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल को जब हम ग्राइंडिंग करते हैं उसका लीप तब हम 59 डिग्री में हमें होल्ड करते हैं। तो इसका आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं एंड मैं जो रिलेटेड बताया आपको आप नोट डाउन कर सकते हैं। के बाद क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, इन ए लेथ ऑपरेशन डैश कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो ये है मशीनिंग टाइम, मशीनिंग टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो क्या है, लेंथ ऑफ कट बाय फीड इनटू आरपीएम, लेंथ ऑफ कट बाय फीड इनटू आरपीएम करके आपका जो मशीनिंग टाइम है लेथ में आपको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ कट क्या है, मान लीजिए ये जॉब है, जॉब का लेंथ है 200 mm, तो इसका लेंथ ऑफ कट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कट हो जाएगा 200 mm। फीट का मतलब क्या है, ए जॉब जो है ए जॉब अगर एक रिवोल्यूशन लेता है एक पाक लेते हैं तो उस टाइम में ये जो टूल है वो कितना दूर मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं फीट। और आरपीएम का मतलब क्या है, ए जो जॉब है एक मिनट के अंदर कितना रिवोल्यूशन कितना पाक लेते हैं उसको हम बोलते हैं आरपीएम। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है, रिबेट के बारे में कुछ क्वेश्चन, इन ए रिबेट जॉइन द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिबेट सेंटर इज कॉल्ड पिच, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द रिबेट इन एमएम मिनिमम पिच
ऑफ द डिबेट जॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय, तो ए आपका आंसर हो जाएगा डी प्लस 30। एक बार सभी ने लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सभी ने एक बार लाइक कर दो। उसके बाद बोला है द साम ऑफ द एंगल्स, एक एक मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, द साम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का इंटरनल एंगल पकड़ने का निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, एंड पॉलीगॉन का जो एक्सटर्नल एंगल है उसका जो समेशन है 360। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 334, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, मान लीजिए ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका बेस जो है वो 2 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका अगर आपको ए वैल्यू निकालना होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए इसका वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट 5। इधर में क्या बोला है 2 tan थीटा, इधर में बोला है 2 tan थीटा, तो इधर में आप देख लीजिए tan थीटा मतलब क्या है, tan थीटा का मतलब है लंबो बाय भूमि, tan थीटा का मतलब क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इधर में tan थीटा आप लिख सकते हैं, tan थीटा इसका मतलब क्या है, इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू है 1 एंड बेस का वैल्यू है 2, तो tan थीटा का मतलब इधर में क्या हो जाएगा, tan थीटा का मतलब हो जाएगा हाफ। तो अभी इसको आपको वैल्यू निकालना है 2 tan थीटा, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इधर में आप लिख लीजिए tan थीटा का वैल्यू क्या है हाफ, तो 2 इंटू टेन थीटा के इधर में लिखना पड़ेगा हाफ, 1 प्लस इधर में टेन स्क्वायर थीटा, 1 बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो इधर में टेन थीटा का मतलब क्या है, अब इधर में टेन थीटा का मतलब है हाफ, तो इधर में क्या हो जाएगा, इधर में हो जाएगा हाफ स्क्वायर, इधर में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में रहेगा 1 एंड नीचे में रहेगा क्या 1 प्लस 1 बाय 4। इधर में आप समेशन करने के बाद नीचे आ जाएगा 5 एंड ऊपर में आ जाएगा 4, तो 4 बाय 5 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 रंजीत देवना, थैंक यू भाई। क्वेश्चन नंबर 35, फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसको एक डेमोस्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा, इसको आपका एक फिगर में दिखाऊंगा फायर क्या है। तो देखो फायर में क्या क्या रहते हैं, फायर में रहते हैं फ्यूल को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं यानी उसके साथ ऑक्सीजन को देते हैं, तो उसके साथ जो है फायर बन जाता है। फ्यूल को हीट एंड ऑक्सीजन के साथ मिला के हम प्रोड्यूस करते हैं फायर। तो फायर ट्रायंगल में क्या क्या रहते हैं, फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। तो अब ये क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा। इधर में क्या है, फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा आंसर, फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा है, फाइंड द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो है, देखिए इसको साथ में रिलेटेड क्वेश्चन नोट डाउन आपको कराऊंगा, ये आप नोट डाउन के पहले कीजिए। वह एक राइट एंगल का वैल्यू क्या है 100 ग्रेड्स, एक राइट एंगल का वैल्यू क्या है 100 ग्रेड्स, उसका मतलब क्या है 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 ग्रेड। तो एक सर्कल जिसका टोटल एंगल है 360 डिग्री, तो इसका ग्रेड क्या हो जाएगा, इसका ग्रेड हो जाएगा 400 ग्रेड। उसके बाद 1 ग्रेड इक्वल टू क्या है 100 मिनट, इधर में ऑप्शन जो है एक गलत है, 1 मिनट कितना सेकेंड का होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है, तो इसका आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। एक राइट एंगल का वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 100 ग्रेड, तो एक सर्कल जो है जिसका वैल्यू 360, उसमें कितना ग्रेड रहेगा 400 ग्रेड।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 क्वार्टर ज्वाइन। तो क्वार्टर ज्वाइन के बारे में पहले वाला जो क्लास था उसमें मैं आपको पढ़ाया था। क्वार्टर ज्वाइन में क्या पूछा है, क्वार्टर ज्वाइन किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वार्टर ज्वाइन हम इस्तेमाल करते हैं एक्सियल टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव लोड देने के लिए। एक्सियल टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव लोड देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वार्टर ज्वाइन को। एंड नाकेल ज्वाइंट हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाकेल ज्वाइंट हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिंग टू रॉड जिसमें एक्सियल टेंसाइल फोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें ओनली एक्सियल टेंसाइल फोर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नाकेल ज्वाइंट। नाकेल ज्वाइंट, नाकेल ज्वाइंट आपको नोट डाउन रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कीजिएगा। इधर में बोला है मान लीजिए कोई रिजल्टेंट फोर्स निकलना है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकलने का जो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू प्लस टू पी कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो इधर में बोला है टू इक्वल फोर्स, उसका मतलब क्या है, पी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एंड क्या बोला है, इसका एंगल वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो 2PQ cos theta, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0, ठीक है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा 2PQ into 0, तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल पार्ट है ये हो जाएगा 0, तो आपको ब्रैकेट में अंदर का रहेगा 2P स्क्वायर, क्या रहेगा 2P स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या बोला है 10 न्यूटन बोला है, तो ये अभी पी के जगह में आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो आपको रूट से बाहर निकलना है तो एक 10 आ जाएगा और एक रूट 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या है 10 रूट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स निकलने का जो फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ के अंदर वो क्या है, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू कॉस थीटा। ये जो पी है दोनों फोर्स है, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम ऐसे है जिसका ये जो साइड है अगर P फोर्स के रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये जो फोर्स से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स R इसका वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है ए मेटल पाउडर यूज थर्मेट वेल्डिंग। तो थर्मेट वेल्डिंग में आपको एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड जो है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड थ्री पार्ट आयरन ऑक्साइड एंड आपको वन पार्ट एल्यूमिनियम पाउडर जो है उसको मिला के आपको थर्मेट मिक्सचर रेडी करना पड़ेगा। एंड ये जो थर्मेट वेल्डिंग है, थर्मेट वेल्डिंग में जो टू केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है एंड जो हीट आता है उसका वैल्यू है 400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है द फॉर्मूला ऑफ द ड्रिलिंग टाइम। तो ड्रिलिंग टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टी बाई एफ इंटू एन, जिधर में टी है वायर, टी क्या है थिकनेस ऑफ द प्लेट, एफ जो है फीट एंड एन जो है आरपीएम। तो अभी क्वेश्चन 40 तक मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 40 तक खत्म हो चुका है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही रात तक आपने आपको साथ दिया है, क्लास किया है, इसके लिए सबको थैंक यू। सभी ने खूब अच्छा कमेंट किया है, ऐसे कमेंट करने कमेंट देखने से मोटिवेशन मिलते हैं, ठीक है, ऐसे करके प्रिपरेशन लीजिए आपका प्रिपरेशन आप मैं हमको लगते हैं कि आप अच्छा करके ऐसे करके डेडिकेटेडली आप प्रिपरेशन लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बाकी 40 करा दूंगा। एंड जो जो मेरा रिकमेंडेशन जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं कराऊंगा, ऐसे अगर आप क्लास कीजिए। बहुत ही अच्छा लगा आज का क्लास करके, स्पेशली आपका कमेंट देख के। थैंक यू वर्षा, आई थैंक यू फॉर पलित अगेन फिल दत्तो, थैंक यू थैंक। सभी को अच्छा लगा है ना, तो सभी को हम न्यू ईयर का विशेष देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप अच्छा करके न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट कीजिए, अच्छा करके प्रिपरेशन लीजिए 2024।